सैमसंग M01 कोर वर्सेस जियो फोन नेक्स्ट फुल कंपैरिजन वीडियो, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस बात किया जाए नंबर वन की डिस्प्ले की, सैमसंग M01 कोर में HD+ डिस्प्ले 5.3 इंच जिसका डिस्प्ले आता है। अब वही जियो फोन नेक्स्ट की बात की जाए तो इसमें भी HD+ डिस्प्ले 5.5 इंच का डिस्प्ले, इसमें थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है। एंड गाइस नंबर टू कैमरा की बात किया जाए तो कैमरा सैमसंग M01 का रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल एंड फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है। एंड जियो फोन की बात की जाए तो रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल एंड फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। एंड नंबर थ्री गाइस प्रोसेसर है, प्रोसेसर की बात की जाए तो गाइस इसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर लगा हुआ है, क्वाड कोर 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। एंड वही गाइस जियो फोन नेक्स्ट की बात की जाए तो गाइस इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 215 एंड क्वाड कोर 1.5 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है, ये थोड़ा सैमसंग M01 कोर से बेटर है। तो गाइस अब नंबर चौथे की बात की जाए तो गाइस नंबर चौथा पर रैम एंड स्टोरेज आता है। गाइस सैमसंग M01 का रैम एंड स्टोरेज दो टाइप का आता है, एक आता है 1 GB 16 GB रैम, 2 GB 32 GB रैम, ठीक है गाइस। तो वही जियो फोन की बात की जाए तो जियो फोन में भी दो टाइप का वेरिएंट आता है गाइस, तो पहला है 2 GB 16 GB एंड दूसरा है 3 GB 32 GB। तो रैम के मामला में भी जियो फोन बेटर है सैमसंग से। तो गाइस अब पांचवा नंबर की बात किया जाए, पांचवा नंबर है आपका बैटरी। तो गाइस बैटरी सैमसंग M01 कोर में 3000 mAh बैटरी है एंड जियो फोन की बात की जाए तो जियो फोन में भी उतना ही लगभग 3000 mAh बैटरी है, यानी 3000 mAh है, दोनों इसमें इक्वल है, ज़्यादा बैटरी होना चाहिए। गाइस नंबर सिक्स एंड्रॉयड वर्जन की बात की जाए तो सैमसंग में एंड्रॉयड 10 का गो एडिशन है, यानी कि आप लिमिटेड फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड वही जियो फोन नेक्स्ट की बात करें तो जियो फोन नेक्स्ट में एंड्रॉयड 11 का गो एडिशन मिलता है, यानी ये भी सेम है, बस फर्क 11 का है। प्राइस की बात की जाए तो सैमसंग M01 दो अपने वेरिएंट के हिसाब से आता है प्राइस में एंड जियो फोन का भी जो दो वेरिएंट है उसके हिसाब से भी वो प्राइस में आता है। तो गाइस इसका हाईएस्ट प्राइस है 3/32 का 3499 रुपया। तो गाइस यही था वीडियो एंड गाइस जो भी चैनल पर नए हो गए प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर